जनता के सेवा में लगे हुए हो, पुलिस में लगे हुए हो, और फिर भी आप इतना गलत कदम उठा रहे हो, तो बाकी जनता आपसे क्या सीखेगी ये बताओ आप। आपको कुछ सोचना चाहिए भाई। एक पुलिस का नागरिक होके भी आप इतनी गलत मतलब गुड़िया के साथ वो कर रहे हो, ये गलत बात है भाई। आप अपना घर बसाओ और आराम से गुड़िया को भी वो करो भी। वो एक ऐसी भी नहीं है, वो तो एक खिलाड़ी है, बहुत आगे बढ़ेगी अगर आप मेहनत करोगे तो। आप गुड़िया को बीच में छोड़ के धोखा दे रहे हो भैया, यही कहना हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश से भी नहीं मिले हैं, अभी अन्नू यहाँ पे आएगी तो अन्नू से मिलेंगे। देखो वीडियो देख रहे हैं तो हम उसमें राकेश की कमी हमें नजर आ रही है, क्योंकि देखो राकेश उसमें साफ साफ बोल रहा है कि मैं आज एक को रखूँगा, कल दूसरी को रखूँगा। देखो ये सब गलत बोल रहे हैं, और राकेश की वीडियो देख के राकेश बिल्कुल गलत कर रहा है। और अन्नू ने ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई, बहुत मतलब वीडियो देखते हैं हम उसकी, हर एक वीडियो देखते हैं उसमें, वह बहुत शरीफ लग रही है और अच्छे तरीके से बात कर रही है भाई। देखो इसमें राकेश की ही कमी लग रही है। अभी अन्नू यहाँ पहुँचने वाली है भैया, और अन्नू से भी बात करेंगे भाई। आपको भी कर रही है क्या बात है? देखो बहन जी ना, इसमें फर्क ही दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कमी अन्नू की रही होगी, उसके लिए भी एक और भी सर हैं, उनसे राय लेते हैं। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों से जो एक अन्नू लव मैरिज मामला वायरल हो रहा है, ये गुड़िया वही अन्नू नाम की लड़की है, 21 साल की शायद एज है इसकी, और ये काफ़ी दिनों से अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही है। आज ये जो चार बहनें बैठी हुई है, इन्होंने फुल सपोर्ट किया है अन्नू को, और अन्नू को देखो अपनी छोटी बहन की तरह हंसी ठिठोली मजाक में खाना खिलाया है, क्योंकि अन्नू के बहुत काफ़ी दिनों से ज़्यादा टेंशन है और परिवार से दूर है, पति ने छोड़ दिया है, इसके चेहरे पर कैसे खुशियां लाई जाए। इसी तरह ये हंसी ठिठोली करते हुए इन बहनों ने आज अन्नू के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, और अपना काम धंधा छोड़कर ये अन्नू के इंसाफ के लिए इसके साथ खड़ी है। इन बहनों को भी सलूट करता हूँ, आगे देखिए आप वीडियो में। अच्छा ऐसी गलती रहेगी जरा, हो गया यू गोली लिया की तो अपनी दसा मंगवा ले, सब चाय बना दे भाई, एक चाय दो। ओ सुखा सुखा भाई, ओ सुखा अहम भाई ने पूछे, अरे तू साफ बताओ थोड़ी यार, एक कप उषा बैठ जा, रोटी विनोद भाई खाओ, चाय बना दे